हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। एक कॉन्वर्जेशन जो अनीता जी, दादाजी और अंजलि के बीच में था, वो भाषा की वजह से मुझे समझ में नहीं आया था, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वो कॉन्वर्जेशन पूछी तो मुझे आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट करके वो पूरा कॉन्वर्जेशन ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया। तो सबसे पहले तो मैं अनीता जी और बसंती जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको देखने वाली बहुत सारी जनता है जिन्हें भोजपुरी लैंग्वेज या बिहार की लैंग्वेज नहीं आती है, सो प्लीज़ अपनी वीडियो में ना मैक्सिमम हिंदी में बात करा करो, ताकि हमें भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। वरना सोचिए कि ऑडियंस को हेल्प करनी पड़ती है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूरी कॉन्वर्जेशन हिंदी में ट्रांसलेट करके दी, तो मुझे बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई कि उस दिन अनीता जी, अंजलि और दादाजी के बीच में क्या बात चल रही थी। जहाँ पे जिन लोगों को वो कॉन्वर्जेशन समझ में नहीं आई थी, मैं फटाफट से आप लोगों को वीडियो में बता देती हूँ कि उस दिन दादाजी ये बोल रहे थे कि जो ललित है, आज तक उसने अपनी मर्जी का कभी कुछ नहीं किया, मतलब एक छोटी सी चीज़ भी उसने अपनी मर्जी से नहीं की, हमेशा अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने गार्जियन से पूछ के अपनी लाइफ में करी, लेकिन अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा डिसीजन उसने खुद ले लिया। जिस पे अंजलि ने कहा कि कोई बात नहीं, उसको जैसा अच्छा लगा उसने वैसा किया। उसके बाद दादाजी ने ये भी कहा कि अगर वो लोग यहाँ पे आएँ तो फिर हम लोग भोज करवाएं, यानी कि एक छोटी सी पार्टी और रिसेप्शन टाइप दे, और अगर नहीं आएंगे तो फिर पार्टी भी नहीं होगी, रिसेप्शन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर वो लोग आएंगे तो वो गाँव में भोज कराएंगे। जैसे आपको पता ही है कि हर गाँव की अपनी एक परंपरा होती है कि जब नई दुल्हन आती है या शादी होती है तो आपको गाँव को खिलाना पड़ता है। तो वो कॉन्वर्जेशन दादाजी और अंजलि के बीच की चल रही थी, जहाँ पर अनीता जी ने वहाँ पर बोला कि आज के डेट में शादी भी अभी कोई लड़की करती है ना, जब लड़का लायक होता है। किसी नालायक लड़के से तो अभी कोई लड़की शादी नहीं करेगी, जब लड़का किसी लायक होगा तभी तो कोई लड़की लड़के से शादी करेगी। सो ये पूरी कॉन्वर्जेशन इस तरीके की थी। आई होप कि जिन लोगों को समझ में नहीं आई थी उस दिन, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं, अभी से एक या दो दिन पहले, आई थिंक दो दिन पहले, रवीना की वीडियो के नीचे एक कॉमेंट आया था जहाँ पर सब लोग रवीना से नाराज़ हो रहे हैं इस बात से कि जब तुम्हें गाँव में दादाजी तक बुला रहे हैं, वो तक इनवाइट कर रहे हैं कि अगर तुम लोग गांव आओगे तो वो अपने हिसाब से छोटा सा भोज या जैसे भी होगा फैमिली जो है मिलके एक पार्टी अरेंज करेगी, लेकिन वहां पे रवीना जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है अपने ससुराल। तो वो क्यों नहीं जा रही है, इसे लेके बहुत सारे लोग रवीना से नाराज भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो थोड़ा सा वक्त ले लो, क्या पता चीजें सही ना हो। चीजें सही नहीं है, इसकी थोड़ी सी हिंट रवीना अपनी ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी है, लेकिन फिर भी ऑडियंस का प्रेशर जो आ रहा है वो रवीना के ऊपर आ रहा है कि यही नहीं जाना चाहती है, यही नहीं भेजना चाहती है, वश में कर लिया है ललित को, ऐसा कंट्रोल कर लिया है कि अब तो ललित को भी नहीं भेज रही है, ना ही खुद जा रही है। देखो वहाँ पे बुजुर्ग दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं जा रही हो। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट थे, जिन कमेंट को वैसे तो रवीना ने इग्नोर ही किया, किसी के रिप्लाई वगैरह नहीं किए, लेकिन एक कमेंट मैं यहाँ पे पढ़ना भी चाहूँगी और लगाना भी चाहूँगी। वहाँ पे लिखा था, इतना पूजा पाठ करते हो आप तो आपको ये भी नहीं पता, इतना पूजा पाठ करते हो आप तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माँ बाप भी भगवान के समान होते हैं, चाहे आपके हों या ललित के, आप उनके साथ भी तो रह सकती थी। जॉब तो आप दोनों नहीं करते, अपना काम उनके साथ रहकर भी कर सकते थे। माँ बाप की सेवा कर लो, भगवान की सेवा ऑटोमेटिक हो जाती है। तो यहाँ पे इन कमेंट करने वालों ने थोड़ा सा उनको ज्ञान दिया है कि आप जो कान्हा जी की इतनी भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, इतना तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो बड़े भगवान होते हैं वो माता पिता होते हैं। बिल्कुल सही आपने ये बोली कि माता पिता को ईश्वर के बराबर का दर्जा ही दिया गया है, इनफैक्ट ईश्वर भी माता पिता के आगे झुकते हैं। तो माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई भी भगवान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, तो आप उनके साथ जाके भी रह सकते हो, आप दोनों ही तो जॉब नहीं करते हो। पहली बात तो वो दोनों जॉब करते हैं, भले ही उनका जॉब फ्रीलांसर का है, लेकिन दोनों ही जॉब करते हैं। बिना जॉब के उनके घर की, घर गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे वो खाना खाएंगे, कैसे वो सब चीज़ें करेंगे, तो वो कुछ कमाते होंगे तभी तो वो कुछ खाते होंगे। उसके अलावा देखिए कि हम इस चीज़ को, इन सेंटिमेंट्स को, इन इमोशंस को किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते।
यू नेवर नो कि बीच में क्या प्रॉब्लम्स है। अगर एक छत के नीचे रह के कलह कलेश होना है, रोज़ के लड़ाई झगड़े होने हैं, मन मुटाव होने हैं, तो फिर उस जगह पे एक छत के नीचे रहने का कोई भी मतलब नहीं होता। इससे क्या होता है कि आप भी डिस्टर्ब रहते हैं, सामने वाला भी डिस्टर्ब रहता है और सुकून नहीं मिलता। आज के डेट में हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, और जहाँ पर शांति नहीं है वहाँ पर आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब एक लड़की का उसके ससुराल ना जाना, इसके पीछे क्या रीज़न है ये वो लड़की अच्छे से जानती होगी। ससुराल वालों के पास उसकी बहू का ना आना क्या रीज़न है ये ससुराल वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिलहाल इन चीज़ों के बारे में ट्रांसपेरेंसी से भी किसी ने भी बात नहीं करी है कि क्या वजह है कि रवीना वहाँ जाने में कंफर्टेबल नहीं है, और क्या वजह है कि अनीता जी जो वहाँ पर बुला भी रही हैं वो वहाँ पे बुला भी रही हैं या नहीं भी बुला रही हैं। वेल, इस कमेंट के बाद रवीना का तो कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन रवीना के बिहाफ में अगेन एक एनोनिमस आईडी से रिप्लाई आया है। वैसे इनकी व्लॉगिंग के नीचे एनोनिमस आईडीज़ का जो फंडा है वो बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे कि जब दीपक जी के साथ ट्रेजेडी हुई तब भी बहुत सारी एनोनिमस आईडी ने आके बहुत मल्टीपल कहानियां सुनाई, जिसमें से अधिकतर कहानियां फेक थी, उनके केस में अधिकतर कहानियां फेक थी। लेकिन जब अनीता जी के बेटे बहू को लेके शादी की बात हुई तो ये कहानी भी आज से 3-4 महीने पहले ही आने लगी थी। उस वक्त तक हमें भी ये फेक लगता था कि ये फेक आईडीज़ हैं जो आके कुछ भी बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस वक्त मैंने भी वीडियो बनाई थी और मैंने भी यही बोला था कि इन फेक आईडीज़ पे विश्वास मत करो जब तक फैमिली की तरफ कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आए, क्योंकि फेक आईडीज तो आके कुछ ना कुछ कभी ना कभी बोलती ही रहती हैं। लेकिन वहां पे हो गया ये चीजें सच, यानी कि जितनी बातें भी रवीना और ललित के बारे में आके एनोनिमस आईडीज ने बताई थी, ये क्लेम करते हुए कि वो पड़ोसी हैं, वो गांव के हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है, वो बातें सच निकल गई है ना। और आज सच्चाई हम सबके सामने है। तो एक और एनोनिमस कमेंट आया है रवीना की आईडी पे। फिलहाल अगर आप ये कमेंट देखने जाएंगे तो हो सकता है आपको ये वहां पे ना मिले, लेकिन मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा था, मैंने सोचा था मैं इस चीज़ पे बात करूंगी। तो यहाँ पे ये लिखते हैं, मैं यहाँ पे आपके लिए लगा भी दूंगी। ये बोलते हैं कि तुम्हें बड़ा पता है, रुकने को बोला था रवीना को। तो जो ऊपर कमेंट आया था ना, ये पूजा पाठ वाला, कि माता पिता को भगवान के समान समझो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, रहना चाहिए, एक्चुअली उसके रिप्लाई में ये आया है, पे बड़ा पता है, रुकने को बोला था वो रवीना को, छोड़ने को बोल रहे थे। आई बात समझ में? 2 साल उनको मनाने की कोशिश की है, पर सब के सब ललित को प्रेशर डाल रहे हैं कि रवीना को कभी इस घर में नहीं आएगी, चाहे जो कर लो। फिर कोई क्या करता, ललित को कोई शौक नहीं था अपनी के बिना शादी करने का। वो शादी वाले दिन बहुत रोया था, इनके भी अरमान थे कि धूमधाम से हमारी शादी हो, पता होता नहीं कुछ चले आते हैं संस्कार सिखाने। तो बड़े गुस्से में आके इस कमेंट का रिप्लाई किया है इन्होंने, और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये बहुत डीप डाउन ये चीज़ें जानते हैं। तो इन्होंने ये बात बोली कि तुम्हें बहुत पता है कि रवीना को बुलाया गया है, इनफैक्ट रवीना को छोड़ने की बात कर रही हैं ललित के फैमिली वाले, कि रवीना को छोड़ दो। और रही बात की शादी में, शादी के लिए 2 साल तक मना रहे थे ललित और रवीना, लेकिन घर वाले अपनी ज़िद पे अड़े थे, उनको नहीं मानना था। उनका अभी भी कहना यही है कि रवीना को छोड़ के हमारे पास आ जा। और तो और ललित अपनी शादी के दिन बहुत रोया था अपने पेरेंट्स को याद करते हुए और उन्हें कन्वेंस और बुलाने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं माने। उसके बाद इस आईडी ने कहा कि जब कुछ पता नहीं होता तो ज़्यादा संस्कार बांटने के लिए मत आया करो। अब इस आईडी के पीछे कौन है या कौन नहीं है ये काम तो हमारा नहीं है, बट इनके हिसाब से जो रवीना वहाँ पे नहीं जा रही है, रवीना अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रही है, रवीना को वहाँ पे बुलाया नहीं जा रहा है, क्योंकि ललित के पेरेंट्स अभी भी इनकी शादी के ख़िलाफ़ हैं और वो अभी भी चाहते हैं कि ललित और रवीना अलग हो जाएं और ललित रवीना को छोड़ दें। अपने एंड पे दोनों बच्चों ने 2 साल तक मनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पेरेंट्स ने उनकी बात नहीं मानी। शादी वाले दिन भी ललित बहुत रोया था, बहुत रो रो के मनाया, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं माने। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉमेंट ये है पूरा सीन। अब इस सीन में कितना सच है कितना झूठ है ये तो यही लोग जानते होंगे। बाकी आप लोग भी बताना इस कमेंट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या ये जो बोलने वाले हैं इन्होंने सही बात बोली है,
क्या यही रीज़न है कि रवीना अपने ससुराल नहीं जाती है? क्या वाकई में जो अनिता जी हैं वो अपने बेटे बहू का रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, जबकि अब शादी को 1 साल होने वाला है तो अब रिश्ता तोड़ के कोई भी फ़ायदा नहीं है, एक लड़की की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। अगर कि इस कमेंट में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं यही बोलूँगी कि अब किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहिए। अब जो होना था वो हो गया, शादी होनी थी वो शादी हो चुकी है, तो अब इस शादी को तोड़वा के दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट बीती बातों को भुला के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को माफ़ करना चाहिए और एज अ गार्जियन उनको आगे की लाइफ के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, समझाना चाहिए। ललित वाकई में अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सिर्फ उसकी इस गलती की वजह से हम उसकी पिछली जर्नी नहीं भूल सकते कि किस तरीके से अपनी मम्मी के, अपने पापा के, अपने पूरी फैमिली के सपोर्ट में वो हमेशा खड़ा रहा है। अपनी शादी का डिसीज़न उसने अपने आप से ले लिया, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो दुनिया का सबसे बेकार बेटा है, क्योंकि वही बेटा अभी तक भी अपनी मम्मी पापा अपनी फैमिली के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा था। तो सिर्फ उसकी एक मिस्टेक की वजह से उसकी बाकी की अच्छी गरीबी चीज़ों को हम कभी भी भुला नहीं सकते और कभी भुलाना भी नहीं चाहिए। और माता पिता को अपने बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए और बच्चों को माता पिता से माफ़ी मांग के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अगर कि इस कमेंट में ज़रा भी सच्चाई है। तो आई थिंक यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे उनको छोटी मोटी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वाकई में यही रीज़न है। बट यस, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से छोटा मोटा रिसेप्शन, छोटी मोटी पार्टी, फैमिली का गेट टुगेदर होना चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो इस फैमिली को पसंद करते हैं, जिन्हें ललित और रवीना की जोड़ी भी बहुत पसंद है, तो वो भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से एक छोटी सी पार्टी तो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जहाँ पे सारा परिवार हंसी खुशी एक साथ देखने को मिले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। लाला जी हो गए, बसंती हो गई, या अनिता जी हो गई, या ललित रवीना हो गए, बहुत वक्त हो गया सारी फैमिली को एक साथ देखते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, क्योंकि बीते दिनों इस फैमिली में गम बहुत आया। लेकिन उस गम के बाद बोलते हैं ना कि एक खुशी भी आनी बनती है, तो अगर इस रूप में खुशी आई है तो उस खुशी का सेलिब्रेशन ज़रूर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी कॉमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पूरी चीज़ के बारे में क्या कहना है। अपनी राय, अपने सजेशन ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। राधे राधे।